स्टूडेंट्स, आई एम उमेश व्यास, यूबी, योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, साइमोज एंड हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। ये 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं पहली बात तो इनफ्लोरेसेंस की, तो पहले देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, ठीक। अगर मैं इस इनफ्लोरेसेंस के टाइप की बात करूं, फर्स्ट वन इज द रेसिमोज, सेकेंड वन इज द साइमोज, थर्ड मिक्स्ड। मिक्स्ड का मीनिंग है कि उसमें रेसिमोज और साइमोज दोनों का ही क्या होगा, अरेंजमेंट मिलेगा। एंड फोर्थ वन है मिक्स्ड के बाद स्पेशल। स्पेशल का मीनिंग यह है ये इन दोनों या इन तीनों में से किसी को बिलोंग नहीं करेंगी, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के हैं। ना तो इसको कहा जा सकता है रेसिमोज, ना साइमोज और ना ही मिक्स्ड। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं स्पेशल में, तो देखो हाइपैंथोडियम स्पेशल ही है। इसका एग्जांपल है हाइपैंथोडियम, नॉट ओनली हाइपैंथोडियम। अगर आप कहें वर्टिसिलेस्टर भी इसी में आएगा, साइथियम भी इसी में आएगा, ठीक है ना, थिरसस भी इसी में आएगा। तो जो आपने कौन सा पूछा हुआ है, हाइपैंथोडियम, तो आप पहला क्वेश्चन आपका हो गया हाइपैंथोडियम इज मिक्स्ड, सॉरी स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ठीक। और अगर आप मिक्स्ड की बात कहें तो मैं कहूं जैसे रेसिम कैपिटेट, सही है, रेसिम में कैपिटेट और साथ में साइमोज, यानी मैंने बोल दिया साइमोज रेसिम, साइमोज कैपिटेट, साइमोज अम्बेल। तो ये टाइप है मिक्स्ड का, क्योंकि अम्बेल क्या है, एक टाइप का रेसिमोज, और साथ में मैंने उसमें क्या बोल दिया, साइमोज अम्बेल। ये इसका मतलब क्या है, साइमोज भी है और अम्बेल। अम्बेल किसका टाइप है, रेसिमोज का। मैं कहूं साइमोज कैपिटेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइमोज तो है ही और कैपिटेट किसका टाइप है, रेसिमोज का, ठीक है। तो एक तो आपने इसका पूछा है। दूसरा, जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस है इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूं, फ्लावर्स और arranged in basipetal succession। अगर मैं बात करूं रेसिमोज की तो इसके जस्ट अपोजिट है, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। जब मैं बोलता हूं एक्रोपिटल सक्सेशन, तो देखिएगा दिस वन इज द मदर एक्सिस, सपोज करो ये मदर एक्सिस है और इसमें फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फर्स्ट फ्लावर है सबसे बॉटम पर है, इसके ऊपर सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये है टॉप, यानी टॉप फ्लावर एपेक्स की तरफ है। अगर मैं बात करूं बेसिपिटल सक्सेशन की, तो देखिए ये लीजिए, ये मदर एक्सिस थी, इसके टॉप पे एक फ्लावर बॉर्न हो गया, फर्स्ट फ्लावर टॉप, सेकेंड फ्लावर उसके नीचे से निकला हुआ है, ये देखिए, थर्ड फ्लावर उसके भी नीचे से निकला हुआ है, फोर्थ फ्लावर या टॉप फ्लावर उसके भी नीचे से निकला हुआ है। मीन्स जो न्यू है, अभी जस्ट न्यू, वो सबसे बेस पर है, ये है बेसिपिटल सक्सेशन। तो अगर क्या हो, फ्लावर बेसिपिटल सक्सेशन में हो तो उसको मैं बोलता हूं साइमेज, साइमोज, और अगर एक्रोपिटल में हो तो उसको मैं बोलता हूं
रेसिमोज मिक्स्ड। देखिएगा मिक्स्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा मिक्स्ड का मीनिंग हो गया रेसिमोज प्लस साइमोज। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ये एक मदर एक्सिस है, ठीक, ये ब्रांचिंग देखिएगा, ये फर्स्ट ब्रांच है, यहां पे इसके टॉप पे फ्लावर लग गया, फिर इसके बाद देखो ये लीजिए, ये फर्स्ट ब्रांच थी, यहां से सेकंड ब्रांच निकली, इसके टॉप पर फ्लावर लग गया, और ये देखिए ये सेकंड ब्रांच निकली थी, दिस वाज द थर्ड, इसके टॉप पर फ्लावर निकल गया, ये लीजिए। तो देखो ये जो मदर एक्सिस थी, दिस वन इज द मदर एक्सिस, इस पर जो ब्रांचिंग चल रही है फर्स्ट सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड, कैसी है, एक्रोप्टल सक्सेशन में, लेकिन जो ब्रांच पे फ्लावर बॉर्न हुए हैं वो एक कैसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइमोज को, इतनी सी ब्रांच को देखिए आप, दिस वन ब्रांच, या मैं इस ब्रांच की बात करूं तो इस ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लावर ये था और उसके नीचे से ये दो फ्लावर निकले हुए, तो ये कैसे हो गए, बेसिपिटल सक्सेशन में हो गए, यानी जो मेन ब्रांचिंग है, यानी अगर मैं बात करूं किसकी, मेन ब्रांचिंग कैसी है, रेसिमोज, एंड फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, साइमोज, ठीक। हाइपेंथोडियम ये बिल्कुल स्पेशल है, अभी मैं जस्ट आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइपेंथोडियम क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और दूसरा साइमोज के तो मैं टाइप बोल ही रहा हूं आपको, तो आप देखिएगा फर्स्ट वन साइमोज इनफ्लोरेसेंस, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले बोल दिया है, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन वेसिपिटल सक्सेशन, यानी सबसे जो फर्स्ट फ्लावर है, जो सबसे फर्स्ट फ्लावर है ओल्ड, वो सबसे टॉप पर है, उसके नीचे से सेकंड, उसके नीचे से थर्ड, उसके नीचे से फोर्थ, और सबसे बेस पर लगा हुआ है न्यूल, बिल्कुल न्यूली बॉर्न, तो बेसिपिटल सक्सेशन ये लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, और ये कितने टाइप का है तो मैं टाइप भी बोल देता हूं, फर्स्ट वन इज द मोनो चैजियल साइम, सेकंड है डाई चैजियल साइम, एंड थर्ड है पॉली चैजियल साइम, ठीक, मोनोचैजियल साइम, डाई चैजियल साइम एंड पॉली चैजियल साइम, और मैं इनके एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, फिर इसके बाद मैं डायग्राम के साथ भी एग्जाम्पल बोलूंगा, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लीजिए, इसका एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम मकोए, ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, बायोडायवर्सिटी में, जहां बायोडायवर्सिटी 11th का फर्स्ट टॉपिक है वहां दिया हुआ है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सोलेनम नाइग्रम, इसको हिंदी में कहते हैं मकोए। अगर डाइचेजियल साइम की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है डायंथस, ठीक, इसको बोलते हैं पिंक्स, पिंक नहीं पिंक्स, या स्वीट फ्लावर, या स्वीट बिलियम इसका कॉमन नेम है, ठीक, आप इसकी बात करोगे तो इसका भी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। इस डाइचेजियल साइम में एनसीईआरटी ने केवल पॉलीचेजियल साइम को मेंशन किया है, उसने पॉलीचेजियल साइम मेंशन नहीं किया, उसने केवल साइम लिखा हुआ है और उसमें एग्जाम्पल दे रखा है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस,
आंख, आंकड़ा, हिंदी में कहते हैं इसको मदार। अब अगर मैं इनके डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये है फर्स्ट वन, सेकंड एंड थर्ड। देखिएगा, मोनोचेजल साइम की बात करता हूं, फर्स्ट वन इज द मोनो चेजियल साइम। ये इट इज इटसेल्फ टू टाइप्स, फर्स्ट वन हेली क्वाड एंड सेकेंड वन इज द स्कॉर्पियोड। हेलीक्वाड एंड स्कॉर्पियोड, ये लीजिए। अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। हेलीक्वाड वास्तव में इसका एग्जाम्पल है मकोए, जिसको मैंने बोला था सोलेनम नाइग्रम। एंड अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे देन है बिगोनिया, ये लीजिए बिगोनिया, बिगोनिया। अब मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको। दिस वन इज द फर्स्ट ब्रांच, इसके टॉप पर फ्लावर लग गया, देन इसके बेस से नीचे से एक दूसरा फ्लावर निकला, ये देखो, और इसके जो ये मदर एक्सिस है इसके टॉप पर फ्लावर बॉर्न हो गया, उसके नीचे से दूसरी एक फ्लावर एक्सिस निकली, उसके भी टॉप पर फ्लावर निकल गया, ये लीजिए। यानी फर्स्ट फ्लावर अगर देखेंगे दिस वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड न्यूली, ये बेसिफिटल सक्सेशन में कौन सा है हेलिकॉइड, और उसमें भी कौन सा है मोनोचेजियल। मोनोचेजियल का मीनिंग ये होता है हर बार एक ही ब्रांच नीचे से निकले, या हर बार एक ही ब्रांच निकल रही है और एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में निकल रही है। अगर सेकंड देखेंगे, ये देखो एक मदर एक्सिस है, इसके टॉप पर एक फ्लावर बॉर्न हो गया, उसके नीचे से एक दूसरी मदर एक्सिस निकली, इसके टॉप पर भी एक फ्लावर बॉर्न हो गया, इसकी ग्रोथ सफ्रेश हो गई, उसके अपोजिट साइड में एक दूसरा मदर एक्सिस निकली, उसके टॉप पर भी एक फ्लावर बॉर्न हो गया, ये लीजिए। देखिए इसमें ब्रांचिंग कैसी है, अल्टरनेट है, उसमें ब्रांचिंग हमेशा एक ही साइड से थी और इसमें कैसी है, अल्टरनेट है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज द न्यूली बॉर्न फ्लावर। ठीक, तो ये रही बात किसकी, मोनोचेजियल साइम। अगर मैं बात करूं डाइचेजियल साइम की तो सेकंड नंबर पे देखिएगा, डाइचेजियल साइम। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही मेंशन कर रखा था, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, इसका एग्जाम्पल है एंथस, और इसको मैं बोलता हूं पिंक्स, कॉमन नेम है ये पिंक्स। जहां मोनोचेजियल साइम में हर बार एक साइड से एक ही ब्रांच निकल रही थी, यहां हर बार दो ब्रांच निकलेंगी। देखिए जैसे ये मेन और मदर एक्सिस है, इसके टॉप पर एक फ्लावर बॉर्न हो गया, देन उसके नीचे से ये देखिए दो ब्रांच निकली हैं आइदर साइड में, फिर इसके टॉप पर फ्लावर लग गया, फिर उसके नीचे से भी ये देखिए दो ब्रांच निकली हैं। कौन सी ब्रांच है, फ्लोरल ब्रांच है, ये लीजिए। यानी आपने देखा ये फर्स्ट फ्लावर था, दिस वन इज द फर्स्ट, उसके बाद नीचे से दो फ्लावर निकले, सेकंड, सेकंड, ये दो फ्लावर निकले, ठीक। यानी हर बार दो ब्रांचें निकल रही हैं, फिर इनसे भी सेकंड के नीचे से थर्ड, थर्ड, इधर भी थर्ड, थर्ड। इसीलिए मैंने इसको बोला है डाइचेजियल, बिकॉज जैसे ही
एक मदर एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस के टॉप पर एक फ्लावर बॉर्न हो जाता है, देन उसके नीचे से हमेशा दो मदर एक्सिस या दो फ्लोरल ब्रांच बॉर्न होती हैं, ठीक। इसलिए मैंने इसको बोल दिया है डाइचेजियल। डाइचेजियल का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि हर बार उसके नीचे से दो फ्लोरल ब्रांच बॉर्न हो। थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे, ये लीजिए थर्ड वन, पॉलीचेजियल साइन। इसमें आपको कुछ नहीं बोलना, हर बार मोर देन टू ब्रांचेस बॉर्न होंगी। इसका पहले मैं एग्जांपल मेंशन कर देता हूं, इसे पहले मेंशन किया हुआ है। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, पूरा नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, हिंदी में कहते हैं आंकड़ा या आंक या मदार, ठीक। दिस वन इज द मेन एंड फर्स्ट, इसके टॉप पर एक फ्लावर बॉर्न हो गया, उसके बाद उसके नीचे से मोर देन टू, ये देखिए, तभी तो मैंने इसको बोला हुआ है पॉलीचेजियल। जब मैं डाइचेजियल बोल रहा था तो हमेशा फर्स्ट जो फ्लावर था उसके नीचे से केवल दो ब्रांचें निकली थी, इस बार मोर देन टू ब्रांचें निकली हुई हैं। अब मगर यहां से बोलूं तो यहां से भी क्या होगा, देखो ये लीजिए, ये लीजिए, इसको मैंने बोला है पॉलीचेजियल साइम। पॉलीचेजियल साइम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब फर्स्ट फ्लावर के नीचे से मोर देन टू फ्लोरल ब्रांच बॉर्न हो, डाइचेजियल साइम में जो फर्स्ट फ्लावर था यानी फर्स्ट मदर एक्सिस के टॉप पे जो फ्लावर लगा हुआ था उसके नीचे से केवल टू फ्लोरल ब्रांचेस निकले। मोनोचेजियल साइम में जब जो फर्स्ट फ्लावर था उसके नीचे से केवल एक ही फ्लोरल ब्रांच बॉर्न हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी हो गया। जो नेक्स्ट आपने पूछा हुआ है हाइपेंथोडियम, वो अब किसमें आएगा, स्पेशल, तो मैं नेक्स्ट नंबर पे बोलता हूं हाइपेंथोडियम। पहली बात तो मैं इसका एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं, एग्जाम्पल है बनियान, बरगद, पीपल। बनियन फाइकस बेंगालियंसिस, फाइकस, फाइकस बेंगालियंसिस एंड पीपल फाइकस रिलीजिओसा, ठीक। फाइकस मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, फाइकस रिलीजियोसा पीपल है। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आप ये देखिएगा, ये लीजिए, ये जो मैंने कैविटी बनाई हुई है इट इज कॉल्ड रिसेप्टकल। पूरी मदर एक्सिस किस में कन्वर्ट हो गई है, एक कप शेप कैविटी में, रिसेप्टकल, ये लीजिए। तो दिस वन इज द रिसेप्टकल, ठीक। किससे कहेंगे, मदर एक्सिस फ्लैटन to form a shape cavity called receptacle, ठीक है। ये बात रही किसकी, receptacle। receptacle क्या है ये खूब पूछा गया है, और ये इनफ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। लेकिन
जब से नीट चला है तो मुझे ध्यान नहीं आया अभी तक कि ये पूछा गया है, बट हो सकता है पूछ ले, तो आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो कप शेप कैविटी है इसमें कुछ फ्लावर बॉर्न हुए हैं, ये लीजिए, ये टॉप पे मैंने जो है इस कप शेप कैविटी में जो फ्लावर बॉर्न किए हैं वो है मेल फ्लावर। उसके नीचे की तरफ इस कप के बेस में दीज आर फीमेल फ्लावर्स। यानी इस इन्फ्लोरेसेंस में देखोगे तो ये कैसा हो गया, एक तरह से डायोशियस, दीज आर मेल फ्लावर्स एंड दीज आर फीमेल फ्लावर्स। यानी पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस हुआ वो कैसा दिख रहा है, डायोशियस। और इसके एग्जांपल मैंने पहले भी मेंशन कर रखे हैं, और अगर पूछा जाए तो आप फिग भी कर सकते हो इसका, क्योंकि फिग भी पूछा गया है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं फिग, अंजीर जिसको आप बोलते हो। तो लीजिए ये पैंथोडियम स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, रिसेप्टिकल बना हुआ है किससे, मदर एक्सिस से, और उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे हैं। इसको मैं बोलता हूं पिस्टलेट फ्लावर एंड दिस वन इज द सॉरी स्टेमिनेट फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर, इसको बोलता हूं पिस्टलेट फ्लावर। ओके डन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।